listen carefully. Today I'm going to revise chapter Europe from the very beginning. Now listen carefully. This chapter starts with the four friends of Frederick Soryo. Now, who was Frederick Soryo? French artist. Prepared series of four friends in 1848. अब इसमें इसने people of different countries, of all ages, of different social groups, he showed them marching towards the Statue of Liberty. उस स्टैचू के एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड इन अदर हैंड टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. हियर आर्टिस्ट शोड लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर. हियर आर्टिस्ट शोड लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर बिफोर द स्टैचू लाइंग द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. बिकॉज तब वो क्या आइडिया स्प्रेड कर रहे थे नेशंस के. तो फ्रॉम द हेवन हु गेज्ड अपॉन द सीन क्राइस्ट एंजल सेंट्स पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे आर आइडेंटिफाइड थ्रू देयर कॉस्ट्यूम्स एंड फ्लैग्स लीडिंग द प्रोसेशन वर पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड एंड यूएसए. And rest of the countries who wanted to become nation state following them. अब यहाँ पे अर्नेस्ट रेनन के बारे में भी बताया हुआ है. He was French philosopher. He gave the idea of nation state. Nation state is a state in which people have common identity. India is a nation state. आपको इंडिया से ही आइडिया मिल जाएगा. हमारी आइडेंटिटी कॉमन है. We all are Indians. In which people have common identity, common ancestors. And shared history. So that is nation state. French revolutionaries in those days moved towards other countries. They spread the idea of nation state and they also helped the countries to get freedom from despotic rule. Kaun si countries mein gaye, kaun si cities mein gaye, you know it very well. Countries Belgium, Holland, Switzerland, later Italy. सिटीज आपको पता है बेल्जियम की कैपिटल से करोगे तो इट विल बिकम इजी फॉर यू. ब्रुसेल्स मेंस मिलान एंड वर्सा अगर सिटीज आप करते हो. हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग सिस पीपल. तो इसमें आप बताते हो कि कौन सी लैंग्वेज मेन लैंग्वेज बनी फ्रेंच. रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वर डिस्करेंज. बॉडी ऑफ स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड एज नेशनल नेशनल असेंबली सॉरी वॉज रीनेम्ड एज बॉडी ऑफ स्टेट जनरल. एस्टेट जनरल बन गई थी. ठीक है तो फ्रांस की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं. फ्रांस की पार्लियामेंट बॉडी ऑफ एस्टेट जनरल. तो एक आपने बताना है कि कैसे फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज बनी. फिर आपने बताना है कि नेपोलियन कोड आ जाएंगे. फिर आपके इसी में आपका हो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी स्टेटेड में लॉ पैट्री लिंग सिटीवन वाला आपका पॉइंट भी है. लॉ पैट्री मीन्स द फादरलैंड. ली सिटीवन मीन्स सिटीजन्स. तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं. तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज अकॉर्डिंग जैसे कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है वो तो आपने करना नहीं बट यू हैव टू टेक थोरो रीडिंग क्योंकि कोई भी लाइन क्वेश्चन बन के आ सकती है. नेपोलियन रूलर ऑफ फ्रांस. ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1804 एंड ही इशूड सिविल कोड्स इन 1804. नेपोलियन री इंट्रोड्यूस मोनार्की एंड स्लेवरी. पता ना स्लेवरी भी वो लेके आया था. ही वाज लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस बिकॉज ऑफ हिज सिविल कोड. अब उसके सिविल कोड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए. आपको सब्जेक्टिव में तो करने नहीं बट पढ़े सारे होने चाहिए. एक सारे कोड देके गलत देके पूछना तो फिर आपको कोड जाते ही होंगे. तो हाउ कैन यू सिलेक्ट. गिल्ड का मतलब पता होना चाहिए. एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स. तो कौन से ईयर में उसने ये वाले कोड्स इशू किए. 1804 नेपोलियनिक कोड आपको आने चाहिए. ठीक है नेक्स्ट इज इसके बाद आपकी आ जाती है ट्रीटी ऑफ वियना. वैसे तो ज़ोलब्रिन है. चलो पहले हम ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं. ट्रीटी ऑफ वियना कौन से ईयर में साइन हुई. 1815 में यूरोप में रेवोल्यूशन लिबरलिज्म आया कि कंजर्वेटिज्म आया. कंजर्वेटिज्म
In 1850, Europe was driven by conservatism because this treaty was signed between conservative countries. Which were the conservative countries? Austria, Britain, Russia. अब कंजर्वेटिज्म के फीचर्स देखे, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आए आउट ऑफ दीज वन इज नॉट द पिक्चर ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, मैं आपको ऐसे पूछूं तो आप सिलेक्ट करना मैंने कौन सा एक गलत बोला है. क्वेश्चन इज आउट ऑफ दीज विच वन इज नॉट द पिक्चर ऑफ कंजर्वेटिज्म. नाउ लिसन केयरफुली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव्ड इन द पास्ट इंस्टीट्यूशन, सुनते जाओ, had full faith in monarchy, believed in the powers of church, believed in revolutionary ideas, believed in revolutionary ideas. क्योंकि ये लोग तो revolutionary ideas में believe ही नहीं करते थे. You know it very well कि मेज़नी को ड्यूक मेटरनिच ने खुद कहा था greatest enemy, क्योंकि ड्यूक मेटरनिच was conservative whereas मेज़नी was revolutionary. तो आपको ट्रीटी ऑफ वियना की टर्म्स आनी चाहिए बिकॉज टर्म्स में से क्वेश्चन बन जाने हैं. फॉर एग्जांपल, नॉर्थ ट्रीटी वाज गिवन टू, नीचे फोर कंट्रीज देते, एक तीन गलत एक करेक्ट दी होनी है. कैन यू सेलेक्ट? वैसे आपको पता है किसको गया नॉर्थ ट्रीटी? ऑस्ट्रिया. पोलैंड वाज गिवन टू डैश. सैक्सनी वाज गिवन टू डैश. तो अगर आपको ये कंट्रीज बताएंगी तो यू कैन गिव आंसर्स. तो हु वाज ड्यूक मेटरनिच? ही वाज अ and he was liberal or conservative or revolutionary? He was conservative by nature. He was host of the treaty of main name of treaty of Vienna kya tha? To restore Bourbon dynasty in France. ab Bourbon dynasty Louis 16 wali France aap padh ke aaye ho, hai na? France mein revolution kab aaya tha? 1789. Which was the most famous political club of France? Jacobin. पूरे यूरोप में कौन से क्लब्स बनने शुरू हो चुके थे? Jacobin clubs. अब ये ट्रीटी साइन हुई 1815 में. कंजर्वेटिज्म वाज देयर इन यूरोप. अब जोलब्रिन क्या था? इट वाज कस्टम यूनियन पास विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया. एक बात और बताओ, जब जर्मनी की सारी वास खत्म हुई, थ्री वास बिस्मार्क को, थ्री वास ना फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, पता है ना, तो एंड में विनर कौन सी कंट्री थी? ध्यान से सुनना, प्रशिया और जर्मनी. मैंने कहा बिस्मार्क को थ्री वास विद इन 7 इयर्स, ठीक है, एंड में विनर कंट्री कौन सी है? प्रशिया और जर्मनी. वेरी गुड, प्रशिया. क्योंकि अगर आप सोचते हो कि जर्मनी तो अभी बना ही, जर्मनी की तो यूनिफिकेशन अभी हुई नहीं, पहले तो बिस्मार्क जीता, फिर जाके यूनिफिकेशन हुई, फिर जर्मनी जो 39 स्टेट्स में बड़ा हुआ था, फिर जाके वो एक प्रॉपर एम्पायर बनी, फिर उसका रूलर बना विलियम वन, पता है ना ये सारा. तो ये विनर कंट्री कौन सी थी तब? प्रशिया. प्रशिया के अंडर यूनिफिकेशन हुई थी. अगर मैं पूछू वाइल द यूनिफिकेशन, जर्मनी की यूनिफिकेशन के टाइम कौन सी ऐसी कंट्री थी जो बाकियों को डोमिनेट कर रही थी? कौन डोमिनेट कर रहा था बताओ? प्रशिया डोमिनेट कर रहा था कि जर्मनी डोमिनेट कर रहा था? प्रशिया. क्योंकि सारा काम किसने किया? सारे ऑर्डर्स किसके फॉलो हो रहे थे? बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ. तो ये चीजें कई बार आपको लगता है कि नहीं जर्मनी आना चाहिए, अभी तो जर्मनी बना ही नहीं, वो तो डिवीजन में बटा हुआ है, पार्ट्स में बटा हुआ है, वहां पे तो फ्रेगमेंटेशन है. तो ये दिमाग से लिखना, सोच के लिखना, ठीक है, अभी तो वो बना ही नहीं. अगर मैं पूछूं कि जर्मनी की यूनिफिकेशन जब हुई तो लास्ट वार जो उसने जीती दैट वाज, अगर मैं बोलूं विद इटली, या फिर मैं पूछूं डेनमार्क और फ्रेंको प्रशियन वार, फ्रेंको प्रशियन वार, फ्रेंको प्रशियन वार, किसके अंडर फर्स्ट फेज फेल हुआ था? विलहेलम फोर. हु वाज विलहेलम फोर? रूलर ऑफ प्रशिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, पता है ना, वो तो आपको ऑप्शंस में देखना आएगा ना. बिफोर द यूनिफिकेशन हु वाज द रूलर ऑफ
जर्मनी पहले तो विलियम वन है, उसके अंडर जर्मनी यूनिफाई हुआ, अगर प्रशिया का रूलर सॉरी, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट फेज ऑफ द यूनिफिकेशन केम टू एन एंड अंडर विलियम फोर, तो यहाँ पे आपने विलियम फोर याद रखना है। थोड़े से ये कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चंस, बट आपने इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज, कई बच्चे जर्मनी सिलेक्ट कर लेंगे, जर्मनी अभी नहीं बना, इज इट क्लियर? तो ये चीजें प्लीज दिमाग में रखना। जैसे अभी मुझे कुछ बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, मींस वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1797, अगर मैं पूछूं नेपोलियन स्टार्टेड हिज वॉर्स इन 1797, नेपोलियन की वार्स, बच्चा कंफ्यूज होके वहां पे लिख दे 1815, क्योंकि 1797 बॉक्स में दिया हुआ, बुक में आप रीडिंग करते हो लेसन की, वहां पे 1797 नहीं दिया हुआ, कहीं पे भी नहीं आता, एक साइड पे बॉक्स में दिया हुआ है 1797। और अगर बच्चा पढ़े ही ना इसे, बॉक्स वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते, तब आपको लगना है 1815, क्योंकि आपको आपने 1815 पढ़ा नेपोलियन के साथ, जहां फिर आप कर दोगे 1804 को टिक, या आप 1804 को टिक कर दोगे, या फिर आप कर दोगे 1815, और उन्होंने ऐसे ईयर्स दे नहीं है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि 1815 आप खुद कहते हो कि नेपोलियन गॉट डिफीटेड बाय यूरोपियन कंट्रीज, कौन सी बैटल में? वाटरलू। तो बच्चों को लगता है शायद वाटरलू जो बैटल है ना वही है, उससे पहले उसने यूरोपियन कंट्रीज पे अटैक करने शुरू कर दिए थे, एंड ही इन्वेडेड इटली इन 1797। तो नेपोलियनिक वार्स अगर आपको क्वेश्चन आए तो 1797 को सिलेक्ट करना, समझ आई? आपने 1815 या 1804 सिलेक्ट करने मत बैठ जाना, ठीक। तो एक मिनट, एक मैं और बात पूछती हूँ, जर्मेनिया ने एक क्राउन पहना हुआ, ठीक है, दैट क्राउन, वो कौन से लीव्स हैं? ओक लीव्स इन जर्मनी स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। अब फ्रांस की एलेगरी, मैरियन और जर्मेनिया, मैरियन, मैरियन कहाँ की एलेगरी है? तो मैरियन क्या कोई वहां की क्वीन थी, कोई पर्टिकुलर वुमेन थी, के पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था? पॉपुलर, जिस बच्चे ने लाइन ही नहीं पढ़ी, इट वाज पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, उसको लगना है शायद फ्रांस की क्वीन होगी, ठीक है ना। तो अगर आपने थोरो रीडिंग ही नहीं की तो हाउ कैन यू राइट द करेक्ट आंसर? वो क्वीन भी नहीं थी, ना ही वो वहां की कोई ऐसी कोई, आप कह सकते हो कि वो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, समझ आई? हु वाज मैरियन? मैरियन वाज नॉट अ पर्टिकुलर वुमेन, इट वाज मिथिकल नेम, इट वाज ओनली पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, ठीक। तो ये आपको एलेगरीज भी इस वे से लर्न करनी है। अब आप मुझे बल्कन से रिलेटेड एक बताओ, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ बल्कन रीजन वाज अंडर, वेरी गुड, ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, पता है ना। और वहां के इनहैबिटेंट्स वर ग्रीक्स, स्लेव्स, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी कंट्री थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूके या स्ट्रेंज केस विद ब्रिटेन, जहां पे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में लड़ाइयां हुई? वेरी गुड, आयरलैंड। आयरलैंड में दो तरह के लोग थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, पता है ना। एंड हु लेड द रिवोल्ट हियर? वेरी गुड, वुल्फ टोन। वुल्फ टोन जो था वो था कौन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट? नो, ही वाज कैथोलिक, ही वाज कैथोलिक। वो नहीं चाहता था यूके का पार्ट बनना, इसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे वो। वुल्फ टोन वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो इसलिए इसने प्रोटेस्ट भी किया, बट ही वाज सप्रेस्ड बाय प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेंट्स ने इसे सप्रेस कर दिया। तो फिर बाद में स्कॉटलैंड बिकेम द पार्टनर्स ऑफ, सबॉर्डिनेट पार्टनर ऑफ यूके, आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके। वुल्फ टोन के रिवोल्ट जब फेल हुआ तो कौन सी कंट्री यूके की सबॉर्डिनेट पार्टनर बनी है? आयरलैंड। स्कॉटलैंड 1700, आयरलैंड इन 1801, बाय विच एक्ट? एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ
ग्लोरियस रेवोल्यूशन केम इन इंग्लैंड इन विच ईयर? 1680। ग्लोरियस क्यों कहा गया, ऐसा क्या हुआ? नो वार, नो ब्लडशेड। यूके की मोनार्की ने अपनी पावर्स किसे दे दी? पार्लियामेंट को, इन अ पीसफुल मैनर। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? ग्लोरियस। क्यों हम यूके की यूनिफिकेशन को कहते हैं स्ट्रेंज केस? बिकॉज दिस यूनिफिकेशन वॉज डन इन अ पीसफुल। क्या जर्मनी की यूनिफिकेशन को आप कहोगे पीसफुल वे से हुई? जर्मनी में वॉर्स हुई, इटली में भी, इटली में वो हम क्रेडिट किसे देते हैं फॉर द यूनिफिकेशन? काउंट कैवूर। काउंट हु वाज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ इटली? मेजनी। इन कलर्स द पीपल ऑफ इटली टू बिकम अ नेशन? नाउ टेल मी द बर्थ ईयर ऑफ बर्थ ऑफ, आप बताओ मेजनी का ईयर बताओ, उसका बर्थ कब हुआ? 1807। प्लेस बताओ, ये ना दक्षिता एंड नव्या, 100% मुझे पता नहीं क्यों विश्वास बन रहा है कि बोथ विल गेट 40 out of 40। अब ये मेरा विश्वास टूटना नहीं, मोस्टली सारी काफी हद तक बच्चे बहुत अच्छे हैं, समर गिविंग आंसर्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स। इधर ये भी दे रही हैं गर्ल्स आंसर, नो प्रॉब्लम, इधर ये भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। जिनको आंसर्स आ रहे हैं ना, तो बच्चे वो 40 में से 40 marks उनके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं है, दे कैन गेट 40 out of 40। कोई ये टफ वर्क नहीं है, ओनली यू हैव टू लर्न वन चैप्टर एंड दैट इज यूरोप। और इसमें क्या प्रॉब्लम है? टेक थोरो रीडिंग ऑफ पावर शेयरिंग फेडरलिज्म। बस एक चीज मत छोड़ना, इफ यू वांट टू गेट 40 out of 40 कार्टून्स, जितने इमेजेस हैं टेक रीडिंग ओनली। आपको कौन सा वो क्रैम करने हैं, आपको उनको देखना है बस, उस कार्टून पे जो लिखा 4 options में दिखा होगा यू कैन आइडेंटिफाई। यही है ना कि कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेंगे हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, बट मैं और मैंने करवाई भी हुई है उनकी प्रैक्टिस, बट आपको थोरो रीडिंग देनी है बस और कुछ नहीं। इफ यू विल डू थोरो रीडिंग ऑफ योर चैप्टर्स, इट्स नॉट टफ टू गेट 40 out of 40, कोई मुश्किल वर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर मैं पूछूं आपसे कि सिलेशिया में रिवोल्ट जो हुआ, एक जर्नलिस्ट ने से देखा, कैन यू नेम द जर्नलिस्ट? कैन यू नेम दैट, नेम द जर्नलिस्ट? वेरी गुड विलियम। तो देखो आते हैं ना गर्ल्स को, वेरी गुड, चलो जिन्होंने भी आंसर दिया वेरी गुड, विलियम बोल जर्नलिस्ट, उसने आंखों देखा। आप उस इवेंट का टाइम बता सकते हो? एट 2 PM, डेट 4 June, 2 PM, है ना, ईयर 1845। उसने क्या देखा, किसका? एक क्राउड किधर जा रहा है? वीवर्स का, वीवर्स का क्राउड किधर जा रहा है? एक कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा क्या काम किया कि वीवर्स का क्राउड? आफ्टर गिविंग ऑर्डर व्हेन क्लोथ वाज रेडी, कॉन्ट्रैक्टर लोअर द प्राइस, उसने प्राइस लो कर दिया था, तो वीवर्स तो भड़केंगे ना, एक चीज बनवा ली बाद में रेट डाउन भी कर दिया, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ गए। कॉन्ट्रैक्टर किधर चला गया? नेबरिंग विलेज। किसके हेल्प के साथ आया? आर्मी। आर्मी ने जब फायरिंग की, हाउ मेनी वीवर्स? 11 weavers लॉस्ट देयर लाइफ, 11 weavers लॉस्ट देयर। तो ये हंगर एंड हार्डशिप रिवोल्ट है। अगर मैं कहूँ इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में आई, तो उसके लिए तो आपको बहुत पीछे आना है। बताओ वो कौन से ईयर में स्टार्ट हो गई थी? वेरी गुड, 1830, वेरी वेरी गुड, 1830। इकोनॉमिक हार्डशिप स्टार्टेड इन यूरोप इन 1830। अब यहाँ पे किसी को ना बोर्बन डायनेस्टी के रूलर को ओवरथ्रो किया था और किसी दूसरे को बनाया था लिबरल्स ने, नेम द रूलर? वेरी गुड, लुइस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनाको फ्रांस इन 1830 बाय लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज? लिबरल्स। लिबर जो है इसका मीनिंग क्या है? फ्री। लिबर मीनिंग फ्री, पता है ना। अगर मैं बोलूं राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन,
ये लिबरलिज्म में, लिबरलिज्म का हम पॉलिटिकल मीनिंग में लेते हैं इकोनॉमिक, वेरी गुड पॉलिटिकल। अगर मैं बोलूं राइट टू प्रॉपर्टी, सोशल फील्ड। अगर मैं बोलूं फ्रीडम ऑफ मार्केट, इकोनॉमिक फील्ड। ये सारे आपको आने चाहिए। लिबरलिज्म टेकन फ्रॉम विच वर्ड, लेटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री, मीनिंग तो ये सारे आने चाहिए। हु वाज अर्नेस्ट रेनन, वेरी गुड। हु वाज डिलक रॉयस, डिलक रॉयस फ्रेंच पेंटर। हु वाज फ्रेडरिक सोरो, फ्रेंच आर्टिस्ट। डिलक रॉयस फ्रेंच पेंटर। हु वाज जॉन गॉटफ्राइड, जर्मन फिलोसोफर। ये सारे बताने चाहिए। हु वाज कैरल किरपिंस्की, पोलिश राइटर। He was Polish. People of Galicia speak Dutch language. अभी मैंने वो वर्ड बोला है, अभी मैंने वो वर्ड बोला है, अभी बोला है Polish. Very good. People of Galicia speak Dutch. Who was Karel Kropotkin? Polish writer. Grimm brothers belonged to which country? Germany. दोनों जर्मनी के थे। जैकब एंड, जैकब एंड, इनके बर्थ के इयर्स भी बताने चाहिए। बिकॉज नो 1840, बोलो 18, इनके आपको बर्थ के इयर्स भी बताने चाहिए। कौन सी डिक्शनरी पर, डिक्शनरी पब्लिश्ड बाय ग्रिम ब्रदर्स, 33 वॉल्यूम। तो ग्रिम ब्रदर्स के नेम जैकब एंड, हू वाज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इटली, हू वाज फेमस फॉर रेड शर्ट सोल्जर्स, हू वाज गैरिबाल्डी, पैट्रियोटिक सोल्जर ऑफ साउथ, अच्छा नॉर्थ इटली वाज अंडर, सेंट्रल इटली वाज अंडर, अरे आप सेंट्रल इटली वाज अंडर हो, साउथ इटली वाज अंडर बॉर्बन किंग्स ऑफ, हु टुक द इनिशिएटिव फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली में प्रशिया कहां से आया, काउंट कैवूर ने, प्रशिया ने जर्मनी का लिया था। एंड यहाँ पे सार्डिनिया पीडमोंट, सार्डिनिया पीडमोंट का रूलर कौन था, नो विक्टर इमैनुअल टू, विक्टर इमैनुअल ही वाज इटालियन बॉर्न प्रिंस, सिक्स स्टेट्स वर अंडर फॉरनर्स, इटली वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स, सिक्स फॉरनर्स के अंडर एक इटालियन बॉर्न प्रिंस के अंडर, किसके अंडर आना चाहते थे लोग, कैसी गवर्नमेंट आई आफ्टर द यूनिफिकेशन इन जर्मनी एंड मोनार्की, दोनों में कैसी आई, क्या लोग मनाक से डरते थे इसलिए उसे लाइक, उसको लाइक करते थे अपने मनाक को, बिकॉज पीपल हैड नो फाइट विद देयर रूलर्स, दे हैड फाइट विद ओनली फॉरेन रूल, वो अपने ही रूलर को वापस लाना चाहते थे, बिकॉज द वर्क ऑफ यूनिफिकेशन इन इटली वाज डन बाय विक्टर इमैनुअल टू एंड इन जर्मनी द सेम वर्क वाज डन बाय विलियम वन, मैं रूलर्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं चीफ मिनिस्टर्स की बात करूँ तो दोनों जगहों के चीफ मिनिस्टर जर्मनी, नॉट जर्मनी, मैं कहूंगी प्रशिया, प्रशिया का चीफ मिनिस्टर, एंड इधर सार्डिनिया पीडमोंट का। अब आप इस क्वेश्चन को गलत तो नहीं करोगे, हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इटली, काउंट कैवूर, बच्चे गैरिबाल्डी लिखते हैं, गैरिबाल्डी नहीं आना, कौन है बिस्मार्क ऑफ इटली, काउंट, बिकॉज जो काम काउंट कैवूर ने इटली के लिए किए सेम वर्क बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए किए, इज इट क्लियर। Habsburg Empire was patchwork of number of, अब आप मुझे बताओ political division of Switzerland is was known as, यहाँ अभी भी सही था, cantons, political division of Italy, duchies, political division of Germany, political division of India, Europe पढ़ते पढ़ते इंडिया में कैसे आ गए, मैं तो यूरोप में आ रही थी, आप इंडिया कैसे आ गए,
मैंने जान के पूछा, आपकी अवेयरनेस देखने के लिए पूछा। स्टेट्स है, स्टेट्स इज करेक्ट। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट।